Sairam children, today we are going to discuss our Hindi project, how you will do your Hindi project. Okay children, now come to the topic. Look children, किन्हीं पांच जंगली जानवरों के नाम लिखिए तथा जंगल के राजा शेर का चित्र बनाकर उस पर पांच वाक्य लिखिए. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आपको कोई भी पांच जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं और फिर जंगल के राजा शेर का चित्र बनाकर उस पर आपको पांच वाक्य लिखने हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, कैन यू गेस? यस, यू आर करेक्ट. व्हाट इज दिस, ये क्या है बच्चों? यह हाथी. क्या है? हाथी. तो पहला जंगली जानवर क्या हुआ हमारा? हाथी, बिकॉज ये जंगल में रहता है. नाउ कम टू नेक्स्ट. देखिए बच्चों, ये क्या है? यस, कैन यू गेस? यस, करेक्ट. ये क्या है? भालू. क्या है ये? भालू. तो दूसरा जंगली जानवर कौन सा हुआ हमारा? भालू. नाउ कम टू नेक्स्ट. ये क्या है बच्चों, पहचानिए क्या है ये? यस, ये क्या है बच्चों? ज़ेब्रा. वेरी गुड. नाउ कम टू नेक्स्ट. ये क्या है बच्चों, कैन यू गेस? व्हाट इज दिस? ये भी जंगल में ही पाया जाता है. यस, यू आर करेक्ट. ये क्या है बच्चों? ये है लोमड़ी. क्या है ये? लोमड़ी. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट. व्हाट इज दिस, ये क्या है? जंगल का राजा शेर. ओके चिल्ड्रन, ये क्या है? जंगल का राजा शेर. वेरी गुड. सो हमें पांच जंगली जानवरों के नाम मिल गए. जैसे पहला है बच्चों हाथी, दूसरा क्या था? हाथी. दूसरा, यस यू आर करेक्ट. दूसरा भालू. तीसरा ज़ेब्रा. फोर्थ लोमड़ी. और फिफ्थ शेर. ओके चिल्ड्रन, तो हमें पांच जंगली जानवरों के नाम मिल गए. अब हमें शेर के ऊपर पांच वाक्य लिखने हैं. तो बच्चों आइए वाक्य देखते हैं. नाउ लुक, पहला, शेर की आंखें चमकदार व भूरे रंग की होती हैं. शेर की आंखें चमकदार वह भूरे रंग की होती हैं. शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि सभी प्राणी इससे डरते हैं. शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि सभी प्राणी इससे डरते हैं. शेर जंगल में रहने वाला बड़े आकार का मांसाहारी जानवर है. शेर
जंगल में रहने वाला बड़े आकार का मांसाहारी जानवर है। शेर का पूरा शरीर भूरे रंग के बालों से ढका होता है। शेर का पूरा शरीर भूरे रंग के बालों से ढका होता है। शेर की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। शेर की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ओके चिल्ड्रन, ये आपके 5 वाक्य हैं शेर पर। आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखिए तथा गाय का चित्र बनाकर उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, पहले हमें 5 जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि पालतू जानवर हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला देखेंगे। तो बच्चों, अब हम पालतू जानवर देखेंगे। इसमें आएगा पालतू। ओके, पहले हमने कौन से लिए बच्चों? 5 जंगली जानवर। अब हम कौन से लेंगे? 5 पालतू जानवरों के नाम लिखिए तथा गाय का चित्र बनाकर उस पर 5 वाक्य लिखिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ बच्चों, क्या है ये? कैन यू रिकॉग्नाइज? यस, यू आर करेक्ट। ये क्या है? कुत्ता। इसे हम घर में पालते हैं, तो ये हमारा पालतू जानवर है। तो हमारा पहला पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? यस, वेरी गुड। ये क्या है? ये है बकरी। क्या है बच्चों? ये बकरी। दूसरा पालतू जानवर कौन सा है हमारा? बकरी। नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? यस, यू आर राइट। ये क्या है? मुर्गी। क्या है ये? मुर्गी। ओके चिल्ड्रन, यह हमारा तीसरा पालतू जानवर है। फोर्थ, ये क्या है बच्चों? यस, यू आर करेक्ट। ये क्या है? ये है बिल्ली। ये क्या है? बिल्ली। नाउ कम टू नेक्स्ट, फिफ्थ वन। ये क्या है बच्चों? ये है गाय। इसे भी हम घर में पालते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो ये हमारे 5 पालतू जानवर हैं। ये है गाय। वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब हमें किस पे 5 वाक्य लिखने हैं? हमें गाय पे 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, आइए 5 वाक्य देखते हैं। गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। गाय कई रंग की होती हैं। गाय कई रंग की होती हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ सफेद ही होती हैं, ये तो कई रंग की होती हैं, काली भूरी बहुत सारे रंग होते हैं, तो गाय कई रंग की होती हैं। तीसरा, गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। फोर्थ, गाय की 2 बड़ी आंखें होती हैं, लंबे लंबे सींग होते हैं एवं एक लंबी पूंछ होती है। गाय
घास, भूसा और अनाज खाती है। गाय घास, भूसा और अनाज खाती है। तो बच्चों, ये हमारे पांच वाक्य हैं गाय पर। अब आपको अपना सारा काम कैसे करना है, आपको एक ही स्क्रैप बुक बनानी है चारों सब्जेक्ट की, जिसमें आप इंग्लिश का भी काम करेंगे, जिसमें आप ईएसटी का भी काम करेंगे और जिसमें आप हिंदी और मैथ्स का भी काम करेंगे। तो बच्चों, आपको सब्जेक्ट लिखना है हिंदी और पहला प्रश्न लिखना है जो मैंने आपको बताया था, किन्हीं पांच जंगली जानवरों के नाम लिखिए, तथा आपको ये पहला क्वेश्चन लिखना है, तथा जंगल के राजा शेर का चित्र बनाकर उस पर पांच वाक्य लिखने। तो बच्चों, पहले आप ये प्रश्न लिखेंगे, फिर आप पहला लिखेंगे जंगली जानवर हाथी, दूसरा लिखेंगे भालू, तीसरा लिखेंगे जीब्रा, चौथा लिखेंगे लोमड़ी और पांचवा लिखेंगे शेर। और उसके बाद शेर पर आपको क्या लिखने हैं, ये पांच वाक्य लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ओके चिल्ड्रन, ये पांच वाक्य आपको लिखने हैं, शेर का चित्र बनाना है, फिर लिखने हैं। ओके चिल्ड्रन, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट पेज पे, एक पेज पे आपका वाला प्रश्न हो गया, नेक्स्ट पेज पे किन्हीं पांच पालतू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पालतू, ठीक है। अब आपको पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है, और गाय का चित्र बनाकर आपको उस पर क्या करना है, पांच वाक्य लिखने, ठीक है बच्चों। ये आपको प्रश्न लिखना है अपनी नोटबुक में, स्क्रैप बुक में, और उसके बाद आपको पहला लिखना है, पहला पालतू जानवर कौन सा हमने करा था, कुत्ता, दूसरा बकरी, तीसरा बिल्ली, चौथा मुर्गी और पांचवा गाय। और फिर आप गाय का चित्र बनाएंगे और फिर उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको ये पांच वाक्य लिखने हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आई होप चिल्ड्रन, आपको सारा वर्क अच्छे से समझ आया होगा। ओके, आप इसके लिए स्केच पेन या मार्कर कुछ भी यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। स्केच पेन या पतले वाला जो मार्कर होता है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड योर प्रोजेक्ट वर्क प्रॉपरली एंड आई होप यू डू योर प्रोजेक्ट वेरी परफेक्ट मैनर। ओके चिल्ड्रन, साई राम, बाय।